ये है 2022 में तुर्की की आई इन्होंने, और 2019 में सुडान। सॉलिड परफ्यूम बोल, सॉलिड परफ्यूम। सॉलिड, अच्छा सॉलिड परफ्यूम। इसका अलग अलग है, सब नाम अलग अलग लिखा। डिफरेंट बड़ी मोनेस्ट्री में से एक है, और ये 11th सेंचुरी में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू द न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो रात हम लेट सोए, जो हमने सोचा था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सोच रहे थे कि स्टार्स वगैरह की कोई पिक्चर वगैरह लेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाई, इतनी अच्छी पिक्चर नहीं आ पाई। रीज़न बीइंग आसपास नियर बाय हमारे जस्ट साथ में एक पेट्रोल पम्प है, वहाँ पर भी लाइट्स वगैरह जल रही थी, तो इस वजह से अच्छी पिक्चर्स नहीं आ पाई। पर कोई नहीं, बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम। अगर होपफुली अगर दोबारा मौका मिला ऐसे ही कहीं प्लेस पे, तो दोबारा चांस लेके देखेंगे कोई। और आज एक्चुअली क्या है रीज़न, हमारा जो प्लान है वो है की और किब्बर, और यहाँ की जो लोकल मार्केट है उसको एक्सप्लोर करना। ये हमने जो रूम लिया है गाइज, वो रूम लिया है पेट्रोल पम्प के जस्ट साथ में है, और फेमस पेट्रोल पम्प है जस्ट बिकॉज वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पम्प के जस्ट साथ में हमने अपना ये होटल लिया है। और ये रूम को तकरीबन ही लगा लो 2000 रुपये का पड़ा है, काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे है। तो अभी फ्रेशन अप होते हैं, नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। तो गाइस रेडी हो चुके हैं, आज का अटायर कुछ ऐसा थोड़ा सा सिंपल, एक एक्स्ट्रा जैकेट मैंने रख ली है, क्योंकि वही है कुछ पता नहीं है मौसम का, कभी भी बादल आ गए ठंड पड़ेगी। तो बस अब निकल रहे हैं, सबसे पहले करेंगे कहीं ब्रेकफास्ट अच्छी सी जगह, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर चलेंगे हम की मोनेस्ट्री। आज देखते हैं एक्चुअली क्या, हमने फ़ोटोज़ में बहुत देखी है, बहुत बारी, और इतनी सुंदर लगती है, तो आज उसको अपनी नज़रों से भी देख लें कि क्या कुछ उसकी सुंदरता है। तो आपको भी लेके चलते हैं, चलो फिर। तो बस आ गए अपनी गाड़ी के पास, बैग वगैरह रख दिया है। प्रेम भाई आ रहे हैं अभी, वो भी अपना छोटा सा बैग लेके, और जैकेट वगैरह रख ली है। और गाड़ी की हालत देखो, पूरी इसको कहते हैं डस्टी, मतलब ऐसे लुक में भी अच्छी लग रही है, ऐसे पूरी डस्टी डस्टी, ऐसे ऐसे लगता है ना जब हम नॉर्मल कभी हम अपने दिल्ली साइड मूर्थूल साइड से जब आप जा रहे हो और अपोजिट साइड से गाड़ी आ रही होती है, ऐसे डस्टी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि आ रही है लद्दाख या इसी रूट करके आ रही है। सेम वेज इट इज़, अपनी ऐसी गाड़ी की लुक आ रही है, बढ़िया। तेरा ना, तेरा ना। ये गुड मॉर्निंग क्रेटा भाई, सेल्फ में स्टार्ट नहीं हुई यार, ये तो एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं हुई आज, हो जाए जाने मन। ये सेकंड सेल्फ में हो गई है भाई, बढ़िया, फर्स्ट क्लास स्टार्ट। माइलेज देख रहे हो आप, 9 की दिखा रहा है यार, 9 के लिटरली, अब ये 9 की माइलेज दे रही है यहाँ पे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं डेजोर रेस्टोरेंट, ये लगा लो यार, बहुत मतलब देख के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो अब इस पे आए हैं ब्रेकफास्ट करने, देखते हैं क्या कुछ टेस्ट है इसका। तो यार ये देख रहे हो कितने सारे स्टिकर्स हैं, वाओ, मतलब ये सारे जो राइडर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं हमारे भाई, वो सब यहाँ पे होके गए हैं, मतलब नो डाउट यार, रेटिंग तो इसकी मैंने देखी थी, अच्छी बता रहा था। सी यू इनसाइड, तो चलते हैं अंदर। अंदर अभी फिलहाल तो कोई है नहीं, तो 2000 इथोपिया केनिया एंड बॉर्डर, वाओ। ये है 2022 में तुर्की की आई इन्होंने, और 2019 में
सेडान कौन साइकिल साउथ इन 2015 2019 अर्जेंटीना यार कितना कुछ ट्रैवल किया हुआ इन्होंने जैसे वाले गाइस सारी इनकी मेमोरीज हैं ये इस तरीके का रूम है ये आप देख रहे हो यहाँ की एक अलग ही वाइब्स है यार नो डाउट ये जस्ट सामने ऊपर मोनेस्ट्री तो यहाँ के लिए आपको तकरीबन 2-3 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी आफ्टर अ वेट हमारा जो खाना है भाई मतलब जो प्रेजेंटेशन है ना अल्टीमेट है ये देखो भाई मतलब जिस हिसाब से ये दिख रहा है ना उस हिसाब से इसका टेस्ट भी होगा नो डाउट तो बस अभी खाना करते हैं अपना फटाफट से फिनिश भूख लगी बहुत ज़्यादा वन आवर लेटर ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट तो जस्ट पेट्रोल पंप के साथ में ही है ये काजा का पोस्ट ऑफिस तो अभी पहले मार्केट चलेंगे मार्केट चल के और पहले फिर हम अपना थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग वगैरह देखते हैं क्या कुछ अलग से है वैसे तो मोस्टली हिल स्टेशन पे इधर की तरफ सारी चीज़ें सिमिलर ही होती हैं पर अगर कुछ डिफरेंट मिला तो देखते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे की मोनेस्ट्री मार्केट का रास्ता इधर से अगेन ट्रैकिंग भाई ये ट्रैकिंग पीछा नहीं छोड़ेगी और यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी है ना तो थोड़ा सा चलते ऐसे हो जाता है कि सांस चढ़ने लग जाते हैं झूले तो गाइस भाई बीच में हमने पोस्टर देखा ये आवश्यक सूचना लिखी हुई है तो अब इसको आराम से पढ़ लीजिएगा पॉज करके झूले तो गाइस मार्केट स्टार्ट हो गई है और मार्केट जो है यहाँ की काफ़ी छोटी है मतलब लिमिटेड ही शॉप्स हैं लगा लो आप कुछ ज़्यादा नहीं है SBI बैंक काजा का और बस यहीं तक ये आप देख रहे हो बस ये एंड है तो हम बैक साइड से आए हैं इसकी और ये है यहाँ का बस स्टैंड ये लगी हुई है गाइस बसेस हिमाचल परिवहन और जो जब आप मेन एंट्री करोगे काजा के अंदर तो ये आप जो मेन रोड देख रहे हो ऊपर जो जा रहे हैं ये है यहाँ से आगे से रास्ता है नीचे उतरने का वहाँ से जैसे आप आओगे तो आपको गाड़ी इधर ही कहीं साइड में पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो बस स्टैंड है इसमें अलाउड नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी पार्क करना क्योंकि वहाँ जो मेन गेट देख रहे हो आप वहाँ पे मेन गेट है वो बंद कर दिया जाता है और अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे अंदर मिली तो ये फ़ाइन भी कर देते हैं तो इसीलिए बाहर की तरफ ही ग्राउंड में आप अपनी गाड़ी पार्क करके फिर ये छोटी सी जो मार्केट है इसका मज़ा उठाना पड़ेगा तो गाइस ये देख रहे हो बाइक के स्टिकर्स हैं मैं इधर मार्केट में घूम रहा था ये काफ़ी सारे हैं तो मैंने एक तो ये निकाला अपनी गाड़ी के लिए पीछे एक ये स्पीति वैली और भी इसमें ढूंढ रहा हूँ आंटी के पास काफ़ी कुछ वैरायटी है और ये देखो ये सारा कुछ कलेक्ट कर लिया है मैगनेट डायरी और ये अपना अपने बैग के पीछे स्पेशली ये गाइस हमने अभी आंटी के यहाँ से ये वाला बैज लिया है और ये अपने बैग पे लगा रहे हैं तो गाइस देखो आप मैं आपको दिखाता हूँ अपना बैग टकोर हो रहा है धीरे धीरे एक इसमें स्पीति का ऐड हो गया है
तो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके बताना। सॉलिड परफ्यूम, सॉलिड परफ्यूम। सॉलिड? अच्छा सॉलिड परफ्यूम। डिफरेंस ये है, ये आप पैकिंग देख रहे हो गाइस, ये कोई लकड़ी की वो है वुडन, और उसमें पैकिंग कर रखी है प्रॉपर। और ये सारे परफ्यूम हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनके पीछे जैसे जन्नत है इस तरीके से, जैस्मिन है। तो ये किसी से बनते हैं आंटी जी? ये सारा अच्छा ऑयल से, तो मतलब 100% इसी में ऑयल बना हुआ है, ये जलाने का ये है। अच्छा अच्छा, सेम धूप बत्ती वाला जो ये फ्रेग्रेंस है, ये बॉडी पे लगाने का है और वो उसमें जलाने का। ओके ओके, तो गाइस आंटी की शॉप इधर बिल्कुल मेन चौराहे पे है, तो जैसे ही आप कभी इधर आओ तो यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी वेराइटीज़ मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे जी, डिस्काउंट देगा जो। देख रहे हो गाइस, सुन लिया आंटी ने बोला है खुद कि अगर आप आओगे तो डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो गाइज नो ड्रोन जोन, यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है। और ये सामने जा रहा है किब्बर को रास्ता, और अब हम जाएंगे ऊपर की मोनेस्ट्री। कोई नहीं कोई नहीं। तो गाइस हम की मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं हमारे सामने, और ये जो मोनेस्ट्री है की मोनेस्ट्री, ये स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री में से एक है, और ये 11th सेंचुरी में इस्टेब्लिश करी थी। और मोस्टली आपने देखा होगा स्पीति वैली में मोनेस्ट्री की जो पिक्चर आती है वो इसी मोनेस्ट्री की है, जो काफ़ी फेमस पिक्चर है। तो गाइस ये जोत है, ये भी ये लगा लो, ये देख रहे हो इसमें कितना सारा की है, ये तब से ये लगा लो जब से ये मोनेस्ट्री बनी, तब से ये जली रही है, इसकी गाइस बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है। तो गाइस ये की मोनेस्ट्री की हिस्ट्री है। बोरी मोनेस्ट्री, और ऊपर ट्रैक कर रहे हैं बस एक बहुत अच्छा शॉट लेने के लिए, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा मोस्टली फोटोज में जो आता है। और यार सांस फूल रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, और ट्रैक ये देखो बहुत स्टीप है।
बट अच्छे शॉट के लिए, अच्छे शॉट के लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है। तो गाइस ट्रैक थोड़ा सा कंप्लीट हुआ और ये वो पॉइंट है जहाँ से वो पिक्चर ली जाती है। ये देखो तो गाइस वो उससे भी ऊपर हाइट थी। तो यहाँ बुद्ध जी के स्टैचू हैं। हमारे प्रेम भाई भी आ गए उतर के। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑल गुड भाई। चढ़ाई बहुत बढ़िया थी, फर्स्ट क्लास ही होते। देखो बिल्कुल स्टीप। तो गाइस बस अब यहाँ से वापसी निकलते हैं काजा की ओर, क्योंकि आज काजा स्टे करेंगे। और ये देखो लास्ट व्यू, बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है यार। तो गाइस मैं आप सबको ये कहूँगा कि एक बार आप स्पीति टूर ज़रूर करें बाय रोड, और ये जो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो आप इसको लाइव अपनी आंखों से एंजॉय करें। आपको इतनी ज़्यादा खुशी और इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, नो डाउट। बहुत अमेजिंग। 4 hours later तो गाइज टाइम हो चुका है रात के 11, और अभी हम जहाँ पे हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो मे भी शायद आपको लाइट में उतना अच्छा ना दिख रहा हो, पर हम अभी हैं लैंगजा के अंदर, और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमको स्टार्स की एक तो टाइम लैप्स या फ़ोटो वगैरह देखते हैं, अगर मिल्की वे गैलेक्सी की अगर पॉसिबल हो पाई तो। क्योंकि हमने कल भी कोशिश करी थी, कल हम रात को 1-1.5 घंटा उधर काजा के अंदर बैठे रहे पर फ़ोटो नहीं आई, जस्ट बिकॉज वहाँ पे लाइट वगैरह ज़्यादा थी। तो स्पेशल आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ से क्या कुछ व्यू आता है, क्योंकि मैंने यहाँ के पिक्चर्स में देखा है व्यू तो यार बहुत अल्टीमेट है। तो कोशिश ये भी रहेगी हमारी कि हम भी आपको वो व्यू अपने अपने कैमरे से दिखाएं।